बच्चों, हाँ घर में नई बहू आई है। घर तो अभी हरा भरा है, बच्चे भी हैं तो अच्छा अभी लग रहा है, लेकिन बच्चे चले जाएंगे तो बहू रह जाएगी, लड़का रह जाएगा और मैडम और मैं, टोटल चार आदमी रह जाएंगे। उस समय थोड़ा मन दुखी रहेगा। बेटियों बच्चों, भगवान की तरफ से, मेरे तरफ से आप लोग बहुत 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 आशीर्वाद, और बड़ों के सलाम और छोटों के हरदम आशीर्वाद। मेरे बच्चे बहू बेटी जहाँ रहे अच्छा रहे, खुशी रहे। बच्चों घर में परिवार बहू बेटी आती है तो बहुत खुशी होता है, जब जाने लगती है थोड़ा मन तो दुखी होता है सबको। तो बहू है बेटी हो सब घर में जो रहता है तो अच्छा लगता है, नाती पोता सब अभी है, अच्छा लग रहा है। जब जाएंगे थोड़ा खराब लगेगा, का पता भगवान मेरे को नई बहू के हो जाए तो थोड़ा सुसुम मन लग जाएगा। अभी तो बहुत दिन है, अभी कौन जानता है, लेकिन ऐसे ही आशे करते हैं बस, सबको भगवान अच्छा करे। अब तो मम्मी हम लोग भी जाने ही वाले हैं। हाँ ये भी जाने वाले हैं। रेखा तो चली गई, घर एकदम खाली खाली हो जाएगा। रेखा जल रहा हुकम बचाती है, जब भी रहती है खूब हल्ला रौनक होती है पूरी घर में, रौनक है। हम लोग घर का रौनक है। खाना मिल रहा नया नया तरीका के, अभी ये कुछ बनाएगी कुछ हम सिखाएंगे, आशा भी सिखाई रही है। पूरा तो पर्पल से खाना नहीं, हम लोग ही साथ लेकर सब अभी बना रहे हैं, पूरा पर्पल लेके पूरा यही खाना बनाएंगे। थोड़ा बहुत बनाती है और सब मिलके बनाती है, लड़की बहू बेटी सब चारों मिलके बनाते हैं। रेखा भी थी वो भी मदद करती थी बनाती थी। घर खाली खाली हो जाएगा, कोई भी नहीं होगा, क्योंकि अभी तो रौनक रहती है, बच्चे होते हैं, झेल पहल रहती है, लेकिन जब सब चले जाएंगे तो सिर्फ मम्मी पापा मैं और ये रह जाएंगे घर में, तो बहुत ज़्यादा एकदम घर काटने को दौड़ता है, खाली घर अच्छा नहीं लगता है। मेरे को भी चहल पहल की आदत है अपनी फैमिली से, क्योंकि मैं भी जॉइंट फैमिली से हूँ, तो मिसिंग होती हैं चीज़ें, कि दीदी होती हैं हेल्प हो जाती है, भाभी होती हैं बहुत सारी चीज़ें बता देती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है सबके साथ में, पता नहीं कैसे होगा। सो आज हमारा प्लान है आप लोगों को रिचा की ज्वेलरी दिखाने का। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि मेरा ब्राइडल ज्वेलरी कलेक्शन मैं दिखाऊं, क्या क्या ज्वेलरी मैं लेकर आई हूँ वो मैं दिखाऊं, तो वो हम आज आप लोगों को दिखाने वाले हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आए और आप लोगों को भी आइडिया लगे कि किस टाइप की ज्वेलरी आप किस ड्रेस के साथ वेयर कर सकते हो और कैसी लगी ज्वेलरी, ये भी हमें जरूर बताना, ठीक है। तो ज्वेलरी दिखाने से पहले मैं आपको इसका ये बैग दिखाना चाहूंगी, जो ये ज्वेलरी केस है, इसके अंदर आपके बहुत सारे सेट, बहुत सारे रिंग्स, बहुत सारे इयर रिंग्स, सब कुछ आ जाता है, और ये मुझे बहुत सही लगा क्योंकि इसको आप कहीं भी कैरी भी कर सकते हो। इसमें शायद ये फोम भी है ना? हाँ, इसके अंदर फोम भी है ताकि अगर कभी गिर गया तो आपकी ज्वेलरी बहुत सेफ है। ज्वेलरी काफी सेफ है, इसको आप कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हो और कितनी भी सारी ज्वेलरी इसके अंदर आपकी आ सकती है, ठीक है। तो ये देखो मैं आपको ये दिखाती हूँ, इसके अंदर जिप किया हुआ है, इसके अंदर ये पूरा पॉकेट है कि अगर आपकी कोई लंबी ज्वेलरी है, देन यहाँ पर ट्रांसपेरेंट होता है, इसके अंदर आपको दिख सकते हैं कि आपने क्या क्या रखा है। देन ये छोटी ज्वेलरी के लिए, इयर रिंग्स के लिए कई सारे पॉकेट्स हैं, काफी पॉकेट्स हैं, इवन आप यहाँ भी रख सकते हो, मगर इनके अंदर सेफ रहती है आपकी ज्वेलरी, तो इसलिए आप इसको, आप ये चीज़ ज़रूर रखें अपने पास। मेरे हिसाब से तो चाहे मैरिड हो या नहीं हो, क्योंकि ज्वेलरी कलेक्शन तो हर किसी लड़की के पास होता ही है, ठीक है। तो ये आप ज़रूर लें, मुझे तो बहुत पसंद आया था और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था, तो आप ज़रूर चेकआउट करें इसको, मतलब बहुत कन्वीनियंट भी लग रहा है मुझे। इसमें अलग अलग चीजें रख दो, कहीं आप वेकेशन भी जा रहे हो, आप इसमें अपनी गोल्ड ज्वेलरी भी रख सकते हो, इमिटेटिव ज्वेलरी भी रख सकते हो। ऐसा बॉक्स मिल गया यार, अपनी शेविंग वाली चीजें रखूंगा। और वो प्राइस ही बताई दो लोगों को, फिर प्राइस ही पूछिए। बहुत चीप था ये, मैंने लिया था चांदनी चौक से, ये मुझे पड़ा था तकरीबन 100 रुपीस का। हंड्रेड एंड ट्वेंटी इतने का ही था ये, जितना मुझे याद आ रहा है इतना ही था ये। और कपड़ा बहुत अच्छा है, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी लोकल है, अच्छा 100 रुपए का है तो लोकल सही है, हल्का सही है, नहीं देखो आप खाते हो उसे, क्योंकि तो मोटा फैब्रिक है, फैब्रिक भी इसका बहुत अच्छा है, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। ओके तो अब स्टार्ट करें। तो ये ग्रीन कलर का है, लंबा हार है ये, तो इसके लिए तुम्हारी वो भी है शादी की भी ज्वेलरी? नहीं, शादी की ज्वेलरी अलग है, वो आप कहेंगे तो मैं दिखा दूंगी आपको। ये देखो ये एक लंबा हार है जो कि आपकी बहुत रॉयल लुक देता है, ये देखो
एक ग्रीन कलर के ड्रेसेस में जाएंगे? नहीं, ग्रीन नहीं, ग्रीन ऐसा एक कलर है, ग्रीन और एक मरून, एक ऐसे कलर हैं जो आपके हर ड्रेस के साथ बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और इसको अगर आप चाहें तो हैक करके तगड़ी की तरह भी पहन सकते हैं किसी किसी ड्रेस पे। क्या तगड़ी यहाँ रखती है ना, ये बहुत प्रिटी लगता है। सी, आपकी कोई साड़ी हो, कोई भी ड्रेस हो, उस पर बहुत एलिगेंट लुक देता है। कोई भी प्लेन साड़ी हो और उसके साथ आप इतना इतना ये थोड़ा रॉयल लुक में पहनते हो ना, तो काफी ही एलिगेंट लुक देता है। ठीक है, इसके इयररिंग्स भी बहुत सुंदर हैं, अच्छे लग रहे हैं आपके। ये मोती में है और बहुत ही एलिगेंट लगती है मुझे ये। और बहुत ही अच्छा अच्छा मटेरियल है, ऐसा नहीं है कि ये गंदे चीप वाले नग हैं या कुछ ऐसा कि निकल जाए, नहीं, बहुत अच्छा स्टोन है, बहुत अच्छी सुपर क्वालिटी। और ये सब ज्वेलरी मैंने चांदनी चौक से ली थी, ही रीजनेबल प्राइस में, मुझे एक ही शॉप से सब मैंने ज्वेलरी ली थी, बहुत ही अच्छा था। अभी काफी, अरे इवन मैंने भी शादी की ज्वेलरी वहीं से ली थी। अगर आप लोगों ने शादी के फोटोज वीडियोज देखे हो तो जरूर चेकआउट करना, नहीं देखे हो तो हम लिंक दे देंगे, जरूर देखना। मेरी शादी की ज्वेलरी भी काफी पसंद आई थी लोगों को, तो वो भी मुझे बताना। मुझे तो बहुत पसंद आई, इसका जो मैरून है ना, बहुत क्लासी, इस पे भी वर्क है, मतलब है ना कितना बहुत छोटा छोटा काम किया हुआ है और बहुत प्रिटी लगता है। बहुत सुंदर है, बहुत प्रिटी लगता है मुझे, पता नहीं कब मैं ये पहन पाऊंगी। ये कोरोना के चक्कर में ना कहीं भी हम कुछ भी ज्वेलरी वगैरह कुछ यूज नहीं पा रहे हैं। ये देखो कैसा है, अच्छा है काफी, मैं पहली बार देखा हूं चोकर पर सब कुछ होता है। हर टाइप की ज्वेलरी आपके पास होनी चाहिए, लॉन्ग में और मिडिल में और चोकर तो जरूर होना चाहिए, एक बहुत प्रिटी लगता है, उसकी इयररिंग भी। ये मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद आया था और ये मैंने देखते ही ले लिया। टेम्पल ज्वेलरी टाइप में है ये, थोड़ा मतलब कम्प्लीटली टेम्पल ज्वेलरी नहीं है। देखो पूरा इसका मोती का वर्क है ये, और ये इतना सुंदर लगता है ना पहन के, बहुत ही सुंदर, बहुत ही एलिगेंट। किसी भी बनारसी साड़ी पे या कोई भी प्लेन साड़ी हो, आप उसके ऊपर इसको पहनो, बहुत ही सुंदर लगता है। इसके इयररिंग जो होंगे ना, मजा ही आ जाएगा। भाई कैसे कैसे ज्वेलरी लाए भाई, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ ऐसी ज्वेलरी, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। इयररिंग्स देखोगे ना तो मजा ही आ जाएगा, इतने सुंदर इयररिंग। मेरी मॉम को तो खुद ही बहुत पसंद आ गई थी, एक बार मेरी मम्मी और बेटी को एक बार। कम है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं पूरी ज्वेलरी नहीं दिखा पाऊंगी। अभी जो मेरे बहुत सिलेक्टेड पीस मैंने निकाले हैं और भी हैं बहुत बहुत प्रिटी, अगर आपको पसंद आते हैं तो आप हमें बताना, हम इसका सेकंड पार्ट भी बनाएंगे, है ना। पसंद क्यों नहीं आया भाई, मुझे मैं पहली बार दिख रहा हूं, मुझे इतने पसंद आएंगे, आप लोगों को जरूर पसंद आएंगे।
और सेकंड पार्ट की डिमांड जरूर करना वरना रिचा तभी बनाएगी। हाँ भाई अगर आप बोलोगी तब मैं बनाऊंगी ना, क्योंकि आपको पसंद नहीं आ रहा इतनी लंबी वीडियो भी बना ले तब अच्छा लगेगा। अगर आपको पसंद आ रही ज्वेलरी आप सोचो अभी सिर्फ एक पैकेट खाली हुआ है इसमें से, अभी इतने सारे बाकी है, ये अच्छा है आपको जरूर देखना चाहिए, सेकंड पार्ट पे डिमांड जरूर करना आप लोग। और ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी भी मेरे पास बहुत है, अगर आप बोलोगे तो मैं वो भी दिखाऊंगी। ऑक्सीडाइज्ड हाँ, वो थोड़ा सिल्वर में होता है एंटीक में। अच्छा तो अब लोग बोलेंगे तो हम उसको लेकर आएंगे, बाकी अगर आपको जो पसंद आता है वो जरूर करेगा। इसके भी एक बार देखिए बहुत खूबसूरत है ये, आपने दीदी को पहने हुए भी देखा होगा इनकी वीडियो में आसाम की आशा की। फिलहाल के लिए रोक देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ठीक है। और आपको पसंद आए तो कमेंट जरूर करना और हमें बताना था कि हम सेकंड पार्ट भी लेकर आए। मुझे तो पूरा यकीन है आप लोग सेकंड पार्ट का जरूर डिमांड करोगे, मतलब इतनी अच्छी ज्वेलरी तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। एंड ऑल्सो वी होप आप हमारे ब्लॉग्स को एंजॉय कर रहे हो। आप हमें सजेस्ट करें कि और हम क्या ला सकते हैं, क्या आप देखना चाहते हैं, और आपके सजेशन हम हमेशा वेलकम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इतने सारे प्यार के लिए थैंक यू सो मच, ये हमें बहुत मोटिवेट करता है और हमें और वीडियोस अच्छे अच्छे वीडियोस लाने के लिए बहुत एनकरेज भी करता है। सो वी रियली होप आप हमारे ब्लॉग को एंजॉय कर रहे हो। एंजॉय तो कर रहे हैं, लाइक्स और कमेंट्स से तो मुझे तो लगता है आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो, और जैसे मैंने पहले बताया हम कोशिश करते हैं हर कमेंट को हर्ट दे, और हो सके तो रिप्लाई भी दे, रिप्लाई देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बट हर्ट देना तो बनता ही है, तो वो मैं जरूर कोशिश करता हूँ। मैं रिचा मम्मी पापा प्लीज कभी हम इग्नोर कर रहे हैं, हम इग्नोर नहीं करते हैं, इट्स जस्ट कि थोड़ा सा स्केड्यूल इधर उधर होता है, इस वजह से हम रिप्लाई करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। टिल देन हिट द लाइक बटन, आपको अगर सारी ज्वेलरी पसंद आई हो कमेंट डाउन, आपको सबसे अच्छी कौन सी ज्वेलरी लगी और कौन से कलर अच्छे लगे बोलेंगे तो मैं कोशिश करूंगी कि जहाँ से मैंने ये लिए थे मैं उस शॉप का नेम और एड्रेस आपको दे सकूँ, अगर आपको अच्छा लगेगा तो। और शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जिनकी अभी शादी होने वाली है या हो चुकी है, अगर गिफ्ट करना हो तो उनके साथ भी शेयर करें, उन्हें भी आइडिया लगेगी इस तरह की ज्वेलरीज मिलती है। मुझे तो बहुत सारे नई नई ज्वेलरीज पता लगी। हेलो बच्चों, हमारा वीडियो में अभी दिखाए हैं ज्वेलरी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके हम दिखाए हैं, इसमें ज्वेलरी में कौन सा ज्वेलरी सबसे बेस्ट आपको लग रहा है उसके बारे में जरूर कमेंट में जरूर लिख करके देना, ताकि एक नंबर दो नंबर तीन नंबर कितने नंबर ज्वेलरी आपको पसंद पड़ रहा है उसके बारे में जरूर आप लोग लिख करके देना कमेंट बॉक्स में। मेरे बहुओं बेटियों बच्चियों, भगवान की तरफ से मेरे तरफ से बहुत बहुत भर भर के आप लोग का आशीर्वाद, मेरे तरफ से भी आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। और गर्मी के दिन है थोड़ा सा पानी पीते रहना खूब अच्छा से, नींबू पानी जो भी है बच्चों को पिलाते रहना बहुत अच्छा होता है, ये तो सबको पता है, फिर भी मैं बड़ा उसी बनी और बड़ों को प्रणाम और छोटों को बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ, ढेर सारे शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। प्यारे प्यारे मेरे बहू बेटियों बच्चियों, ज्वेलरी डाले हैं बोली दिया अंकल, जो आप लोग अच्छा लगा कमेंट में जरूर लिखिए, थोड़ा हिंदी में लिख दीजिए कि आंटी थोड़ा पढ़ लेगी। बच्चों तब तक के लिए जय हिंद।